न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड पब्लिक इशू की NSE में लिस्टिंग की। कार्यक्रम में सीएम श्री चौहान ने कहा कि देश का अगला इंडस्ट्रियल आईटी और टेक्सटाइल हब मध्य प्रदेश होगा। प्रदेश में निवेश तेजी से आ रहा है, विकास की इस गति को थमने नहीं देना है। चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास यात्राएं लगातार जारी है। इसमें अब तक 28,739 कार्यों के लोकार्पण और 21,664 शिलान्यास किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के संबंध में समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम श्री चौहान ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में युवा नीति के संबंध में समीक्षा की। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी उपस्थित रहीं। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में आयोजित जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने जावत के नया गांव में 1,34,00,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं 34,00,000 के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सांची के ग्राम तरावली में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना के कार्यों का शिलान्यास एवं अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शराब सेवन को हतोत्साहित करने के ऐतिहासिक निर्णय को लेकर उज्जैन में आयोजित धन्यवाद सभा में सम्मिलित हुए। सभी ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।